हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अभी न्यूज़ चली हुई है कि पीआरटी की 2000 के लगभग वैकेंसीज आने वाली हैं और कुछ और वैकेंसीज भी आने वाली हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य जो एजुकेशनल न्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप्स या स्टेपिस, ये हड्डी होती है। और ये साथियों कान की हड्डी होती है, जो कान के अंदर ये हड्डी होती है, स्टेप्स या स्टेपिस। तो इस पर जो सबसे पहले करेक्ट आंसर आए उन साथियों के नाम बता देता हूं। फाइव टॉप कमेंट्स है जो प्रीति दलाल, सोनिया शर्मा, नितिन गगट, उदित और अनिल कुमार जी। तो सबसे पहले प्रीति दलाल जी का करेक्ट आंसर आया, तो इन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। टॉप फाइव कमेंट लिए जाते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया। 134A, ये आपको पता होगा हरियाणा के अंदर होता है, जैसे जो बच्चे गरीब होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है और उनका जो चार्ज होता है वो गवर्नमेंट देती है। तो साथियों इसमें जो फीस उन्होंने तय करी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से 2015 से 18 तक की जो फीस है वो पेंडिंग में थी, तो गवर्नमेंट ने जो फीस तय करी है वो करी है 300 से 400 रुपये एक स्टूडेंट के लिए, जो जिससे जो प्राइवेट स्कूल वाले मालिक हैं, प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो काफ़ी दुखी हो गए क्योंकि जो फीस है काफ़ी कम तय करी है। तो आप भी इस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि ये फीस कम है ज़्यादा है, क्योंकि 300 से 400 रुपए का जो पेमेंट वो बोल रहे हैं। और इसके बाद जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल वालों ने कहा है कि गवर्नमेंट लगभग 72,000 रुपये खर्च कर देती है एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल में, तो गवर्नमेंट इतना तो दे सकती है हमें। तो साथियों ये बहुत तो सोचने वाली बात है क्या होता है, लेकिन साफ तौर पर यह है कि बच्चों का नुकसान है। इसके बाद सरकारी शिक्षकों को घूमना है विदेश, मतलब सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो विदेश में घूमना चाह रहे हैं। और अब की बार 650 हरियाणा से जो शिक्षक हैं वो विदेश जाने की उसमें हैं, और उनके जो रीज़न बताए जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि उनकी माँ बीमार है, विदेश में रहती हैं। और ये जो टीचर्स हैं किस जगह जा रहे हैं, मोस्टली कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दुबई हो गया, इन जगह जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, अगर कोई भी अध्यापक है, सरकारी अध्यापक है, वो विदेश जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, इसके बाद ही वो वहां पे जा सकता है। तो साथियों इसके बाद हम बात करते हैं, अभी आपने सुना होगा 2000 से ज्यादा पीआरटी वैकेंसीज की बात चल रही है हरियाणा के अंदर, और साथ में कुछ और वैकेंसीज हैं उन पर भी बात चल रही है। तो ये बात कहां तक सही है, हालांकि मैं आपको बता दूं जो क्लर्क वगैरह की वैकेंसीज है, पटवारी वगैरह की वैकेंसीज है, वो वैकेंसीज तो जल्द से जल्द आने वाली हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो पीआरटी वैकेंसीज है उन पर शंका है अभी, उनका कुछ पक्का नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि 906 स्कूल बंद हो चुके हैं, तो उन स्कूलों के जो अध्यापक है सबसे पहले तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो वैकेंसीज आना मुझे लग नहीं रहा आएंगी अभी एकदम, लेकिन उसमें टीजीटी पीजीटी और भी वैकेंसीज बताई जा रही हैं, जहां तक है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आ सकती हैं, लेकिन पीआरटी की वैकेंसीज में शंका है। हो सकता है कि गवर्नमेंट सभी वैकेंसीज को फिल करना चाह रही हो सकता है आ जाए, लेकिन ये पक्का अभी कुछ कंफर्म नहीं है किसी के पास भी। जब भी पक्की न्यूज मिलेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा के अंदर और जो अन्य वैकेंसीज है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती हैं, जैसे क्लर्क हो गए, पटवारी वगैरह हो गए, और इस टाइप के और भी जो वैकेंसीज है आपको देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों यही अपडेट है अभी आप लोगों के लिए, और इस टाइप की और एजुकेशनल न्यूज जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों बताना चाहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।